बीजेपी क्या बोलती है मुझे उसकी परवाह नहीं है। जो कांग्रेस चिमट चुकी थी 21 विधानसभा की सीटों तक, उस कांग्रेस को वापस जिंदा करने में पायलट साहब की अहम भूमिका रही। हमारे नेता हेमा राम जी हैं। तो नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पूरे जोश के साथ में सचिन पायलट आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं का जोश भी लगातार देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है हेमा राम चौधरी साहब भी यहाँ पर सचिन पायलट के साथ में जुड़ गए हैं और युवा में जोश देखने को मिल रहा है। सर चौधरी साहब, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं और आप खुद कहते हैं कि जो रिश्ता है आप दोनों का वो एक बेटे का रिश्ता है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये इतना हजारों की संख्या में लोग पैदल यात्रा पायलट साहब के कर रहे हैं, ये इनके प्रति लोगों का स्नेह है। किस प्रकार से कैसे इन्होंने कांग्रेस को मजबूती दी, जो कांग्रेस चिमट चुकी थी 21 विधानसभा की सीटों तक, उस कांग्रेस को वापस जिंदा करने में पायलट साहब की अहम भूमिका रही। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, पायलट साहब को आप बेटा मानते हैं, उस पर क्या कहेंगे? पायलट साहब को आप मानते हैं कि वो आपके बेटा जैसे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारे नेता हेमा राम जी हैं। आपके नेता साहब कह चुके हैं। सर आपने लगातार मांग उठाई है करप्शन को लेकर, पेपर लीक को लेकर आपकी ये यात्रा है, आपने लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कई पत्र लिखे सीएम साहब को, तो आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद में इन मुद्दों पर कार्रवाई होगी? होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे? क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। आप आपके पिताजी थे वो पहली बार भरतपुर से चुनाव जीते थे, क्या आप उस वाले एरिया पर भी फोकस करेंगे? पब्लिक के बीच में रहकर, पब्लिक की आवाज सुनकर, पब्लिक की आवाज बनने की कोशिश करूंगा। लगातार बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, खुद कहा जा रहा है कि पायलट का जो जहाज है वो अब ऑटो पायलट मोड पर है, पता नहीं कहाँ उतरेगा, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी क्या बोलती है मुझे उसकी परवाह नहीं है। परवाह नहीं करते आप, लगातार आप अगला कदम क्या होगा सर आपका? हाँ जी, तो ये थे हमारे साथ में सचिन पायलट साहब, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वो जनता के बीच में है और जनता की जो मुद्दे हैं, जनता की मांगे हैं, उनको ही लेकर सामने चल रहे हैं और लगातार उनका ये संघर्ष है वो जारी रहेगा। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।